बारबेक्यू वाले में अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जी आज मैंने सोचा कि आपके साथ पूरी अपनी ऑलमोस्ट जो रूटीन यहाँ रहती है वो शेयर करती हूँ कि सुबह हम लोग क्या करते हैं और फिर जी रात तक हम लोग क्या करते हैं। तो कोशिश तो मैंने की है कैप्चर करने की जितनी हो सके, बट ज़्यादातर किचन ही कैप्चर हुआ। हाँ दो दो इन्हें चाय के साथ रख दो, चाय के साथ रख दे क्योंकि बिरयानी बननी है और सब कच्चे के मेरे टिक्के का मटेरियल बहुत काम। जब किचन में चार हाथ लग जाते हैं ना तो फिर बहुत जल्दी से काम होता है। मैंने आमना से कहा आप नाश्ता बनाओ, उतनी देर में मैं बाकी चीज़ें कट वगैरह करती हूँ, जो चीज़ें मैंने बनानी है बनाना शुरू करते हैं। एक्चुअली हमारे साथ होता यूँ है कि जब भी हम लोग सब इकट्ठे होते हैं ना बहुत कम होता है कि भाई कोई हेल्पर ठहरे, पहले ही से ही चली चुकी होती है, ये नहीं कि हमारे आने के बाद जाती है। पिछली बार बहुत अच्छा मेरा यहाँ टूर रहा क्योंकि हेल्पर थी, सारे काम हो रहे थे, बड़ा टाइम से हो रहे थे, बड़ा सुकून से हमने टाइम इन्जॉय किया। बट अब चूँकि थी कोई नहीं तो हमें ही करना था, तो इसलिए हम लोग की कोशिश होती है कि टाइमली हम सारा काम जो है ना वाइंड अप कर लें। तो एक तरफ तो मैंने जितने भी मैंने सोचे हैं कि भाई इतने इतने अनियन जाएंगे इतनी इतनी चीज़ों में, क्योंकि बिरयानी बनी है, कच्चे घी की टिक्कियाँ बनी है, सालसा बना है, तो उनमें अनियन जाएंगे, तो मैंने पहले से ही जो अनियन छील लिए हैं, साथ में मैंने जो चिलीज हैं, टमाटर हैं, गार्लिक है, वो सब चीज़ें साइड पर कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा किचन के सारे काम साथ साथ चलते हैं, आप सिर्फ हांडी पर या जो आप कुकिंग कर रहे हो उस पर फोकस नहीं कर सकते, आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, जैसे कि बर्तन चर्तन धुलने हैं, दूध छूध आपने अंदर रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो दूध ख़राब हो जाएगा, तो ये सारी चीजें आपको देखनी होती है। आमना नाश्ते वगैरह सर्व कर रही थी बना बना के, उतनी देर में मैंने जो चीजें छीलनी वगैरह थी वो कर ली हैं, यहाँ पे बर्तन चर्तन जो आ रहे थे वो मैंने धो लिए, क्योंकि मैं काम करती हूँ नीट एंड क्लीन किचन में, मुझसे मेसी किचन में काम नहीं होता है। सो मैं साथ साथ ही चीजें समेट रही थी और साथ साथ अपने जो है वो कुकिंग की तरफ भी फोकस कर रही थी कि टाइमली सब चीजें हो जाए। अब मेरे व्लॉग्स में तो आपने देखा है कि जो अदरक लहसुन है इसकी मैं पेस्ट बनाकर जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीजर में फ्रीज कर लेती हूँ, तो जब चाहिए होते टक करके दौड़ और यूज़ कर लेती हूँ। बट यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं है, यहाँ इसलिए ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर इतना ज़्यादा फ्रीज़र ऑलरेडी लोडेड होते हैं, लाइक टमाटर पड़े हैं जी, लहसुन पड़े हैं छिले हुए, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो नहीं हो पाता। अगर लहसुन आपको मिलेगा भी तो छिला हुआ आपको फ्रीज़र में मिलेगा, पिसा हुआ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर अदरक भी आपने करना है, लहसुन भी करना है, तो सो देयर सो मेनी थिंग्स जिसकी वजह से काम बहुत लंबा हो जाता है। तो यहाँ पर तकरीबन 10 से 11 बहुत छोटे प्याज हैं जिन्हें मैं चॉप कर रही हूँ कि कच्चे कीमे की जो टिक्कियाँ बनानी है ना उसके लिए। बट क्योंकि अगर आप मीडियम लेते हैं तो आपके तकरीबन 5 आपको अनियन से होंगे, बिल्कुल इनफ रहेंगे। यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 4 से 5 किलो कीमा है जिसके लिए मैं चीज़ें प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर जो रैंडमली मैंने एक पूरी जो मुट्ठी है ना वो ग्रीन चिलीज की डाली है और तकरीबन 2 होल लहसुन जो होंगे ना वो उनको छील के डाला है, अदरक का लाइक काफ़ी बड़ा सा पीस मैंने पील करके डाला है, इसको भी मैं फाइनली चॉप कर लूँगी। मैं तकरीबन चीज़ें ना अंदाजे से डाल रही थी इसमें और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही ज़बरदस्त अंदाज़ा लगा, बड़ी मज़ेदार किस्म की बनी थी हमारी टिक्कियाँ। तो यहाँ पर जो फाइन आपने चॉप करने, क्योंकि अगर बड़े बड़े चंक्स होंगे ना, कोर्स तो होगा ऑब्वियसली, बट अगर बहुत बड़े चंक्स होंगे ना चीज़ों के तो वो फिर कीमे के अंदर जब बन भी जाएंगी तो आपके मुंह में आते हैं ना, तो बाजू के कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगते हैं, तो इसीलिए आपने मेक श्योर करना है कि सब चीज़ें अच्छे से जो है वो चॉपर में चॉप हो गई हैं। और यहाँ पर जो तकरीबन आई थिंक ये 5 किलो कीमा होगा जो यहाँ पर मैंने लिया है, हम लोग बल्क में इसलिए बना रहे हैं, बाकी हम बना कर रख लेंगे फ्रीज़र में और जो भी यूज़ होना होगा वो हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो जो मैंने चॉप किया हुआ था, अनियन किया हुआ था, वो इसके अंदर डाल दिया है और मेक श्योर करना है जितना एक्सेस इसमें से अनियन में से आप पानी विड्रॉ कर सको स्क्वीज़ कर करके आपने निकाल लेना पानी, ठीक है। अब चूँकि यहाँ पे गरम मसाला नहीं बना हुआ था मेरे मुताबिक, तो मुझे वो भी बनाना था, सो मैंने सोचा पहले गरम मसाला बना लेती हूँ फिर ही वो कीमे में जाएगा। तो यहाँ पर जो मैंने 2 जायफल लिए हैं, 10-12 मैंने छोटी ग्रीन वाली जो इलायची होती है वो ली है, और अब जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ सिनेमन स्टिक्स, काफ़ी सारी हैं, लाइक आप समझ लें अगर स्पून से डालते हैं तो तकरीबन 5 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर सिनेमन स्टिक्स डाली हैं, और इसी तरीके से मैंने तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के डाले होंगे काली मिर्च के, 3 टेबलस्पून लौंग के, और यहाँ पर जो बड़ी वाली जो इलायची है 4-5 बड़ी इलायची डाली है, जावित्री आप देख सकते हैं कितनी मैंने डाली है, और अब इसके अंदर जाएगा ज़ीरा जाएगा, ज़ीरा बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में जाता है, लाइक इसके अंदर तकरीबन 7-8 टेबलस्पून ज़ीरे के मैंने डाले हैं। अब सब चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर ग्राइंडर में डालकर इसे अच्छे से पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूँगी।
ये गरम मसाला बहुत ज़बरदस्त रहता है। इवन पुलाव में आप डालें, बिरयानी में डालें, ये बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला रहता है। तो यहाँ पर जो गरम मसाला मैंने चूँकि ग्राइंड कर लिया था, और आप डालते हैं जो कीमे में, इसको मैंने यहाँ पर डालूंगी तकरीबन 3 टेबल स्पून भर कर मैंने गरम मसाले के इसके अंदर डाले हैं। मैंने यहाँ पर स्पाइसी टिक्कियाँ बनानी है, तो इसी ही लिहाज से स्पाइस कंटेंट इसके अंदर जा रहा है। यहाँ पर जी मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून सॉल्ट डाला था, और बाद 1/2 टीस्पून मैंने सॉल्ट, ऊपर थोड़ा सॉल्ट डाला होगा। 3 यहाँ पर टेबलस्पून के हैं जी लाल मिर्च पाउडर के, 2 टीस्पून के हैं यहाँ पर टर्मरिक पाउडर के, और अब जी रेड चिली फ्लेक्स इसके अंदर जा रही हैं 2 टेबलस्पून भर के। और फिर जी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ब्लैक पेपर पाउडर। पहले जी मैं इसके अंदर डाल के फ्रेशली डालने लगी थी, तो जब मैंने जो ब्लैक पेपर डाला और उसको क्रश करना शुरू किया तो बहुत लंबा प्रोसीजर था। सो मैंने कहा ना ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, टाइम शॉर्ट है, तो क्योंकि बच्चों को भी साथ साथ आपको पता ऑब्वियसली देखना है, तो फिर मैंने कहा ब्लैक पेपर जो आपके पास ग्राइंड हुई हुई है ना वो दे दो, वो डाल लेते हैं। ये जो फ्रेशली ग्राइंड ब्लैक पेपर है फिर किसी और दिन हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बस थोड़ी सी इसमें से डाली, तो डली नहीं रही थी क्योंकि मुझे तकरीबन इसके अंदर 1.5 टीस्पून ब्लैक पेपर डालना था, और ये जी तकरीबन मैंने 1.5 टीस्पून इसके अंदर डाल दिया है ब्लैक पेपर पाउडर का। और अब जिसको मिक्स करना है क्योंकि इसके अंदर स्पाइस कंटेंट बहुत है और मेरे हाथ में थोड़ी प्रॉब्लम भी है, तो फिर मैंने और आमना ने मिलकर इसको जो है अच्छे से मिक्स किया है। और ये देखें जी, ये हमने छुपा के रखा हुआ था कि बच्चों को नज़र ना आए, तो ये दरवाजे के पीछे पड़ी हुई थी ये सब चीज़ें, तो ये निकाल के ले आए हैं झंडा झंडा, और अब ये फिरेंगे और लड़ेंगे भी। और जी कमिंग बैक टू द किचन, तो यहाँ पर जी मैं धोने लगी हूँ चावल क्योंकि बननी है बिरयानी। हाँ जी, तो जी तकरीबन यहाँ पर है हमारे पास 4 ग्लास चावल हैं जिन्हें मैं धो लूँगी, धो कर भिगो कर रख दूँगी, फिर उसके बाद मैं बिरयानी को जो मटेरियल है वो बनाना शुरू करूँगी। तो यहाँ पर जी हमने तकरीबन अनियंस ले लिए, तकरीबन 10-12 अनियंस है जिन्हें हमने अच्छे से स्लाइस कर लिए स्लाइसर की हेल्प से। यहाँ पर सारे मसाले वाली बिरयानी खाते हैं, मुझे ख़ुद बहुत ज़्यादा मसाले वाली मिर्चों वाली बिरयानी पसंद है, तो वो वाली बिरयानी के लिए आपको ज़्यादा प्याज और ज़्यादा ही आपको टमाटर चाहिए हुए होते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने इसको स्टोव पर रख दिया है, और अब इसके अंदर जाएगा ऑयल, जाएगा ऑयल आपने अपने हिसाब से डालना होता है। एक्चुअली मैं जो ऑयल है ना बिरयानी पुलाव में ज़रा नस्बतन कम रखती हूँ, इसलिए फिर ऑयल आपको अपने हिसाब से ही इन चीज़ों में डालना होता है, वरना फिर जो टेस्ट आपका डिवेलप हुआ होता है ना उसके मुताबिक फिर आप इन्जॉय नहीं कर पाते चीज़ को। अब सेम गर्म मसाला हम बिरयानी में भी यूज़ करेंगे। और यहाँ पर जो कबाब का मटेरियल बन के रेडी हो चुका है, आप चाहें तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं ताकि ये सेट हो जाए, उसके बाद आप जो इसको यूज़ करें। और किसके साथ ऐसे होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अनियंस कट करके किसी चीज़ में डालें तो एक आधा साबुत अनियन भी बीच में पाया जाता है, मेरे साथ ही काफ़ी बार हो चुका है। तो खैर यहाँ पर जो गोल्डन ब्राउन प्याज हो गए थे हमारे बिरयानी के लिए, इसके अलावा जो होल स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून काली मिर्च है होल, और इसके बाद लौंग है हमारे पास 1/2 टेबल स्पून, तकरीबन 1 टेबल स्पून हमारे पास सिनेमन स्टिक्स हैं, 4-5 छोटी इलायचियाँ हैं, 3 बड़ी इलायचियाँ हैं, और 2 टेबल स्पून ज़ीरा है, थोड़ी सी जावित्री है। ये सारी होल स्पाइसेस हम डाल देंगे। चूँकि बिरयानी रात को बनी है तो इसलिए मैंने फिर जो है फ्लेम ऑफ कर दिया था, मैंने कहा बाद में इसको देखेंगे, अब चिकन भी नहीं मैं अभी डाल रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सालसा बनाने, तो यहाँ पर जी रैंडमली प्याज डालेंगे और टमाटर डालेंगे, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं राइस के साथ खाएँ, आप सालन के साथ खाएँ, इवन आपको वैसे बड़ा अच्छा लगेगा सूखी रोटी के साथ। तो ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना कि मैं बहुत अभी इन्जॉय करती हूँ खाने के साथ। सो आई थॉट कि इन्हें भी बना के देती हूँ, ये भी मज़ेदार किस्म का, ये इन्जॉय करें। इसमें जाना कुछ भी नहीं है, सिंपली बस टमाटर डालने हैं, प्याज डालने हैं, और फिर आपने हरी मिर्च डाली। हरी मिर्च यहाँ मैंने ना 2 डाली हैं, आप चाहें तो 1 हरी मिर्च डालें क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची वाला ये हो जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं इसके अंदर ज़ीरा डालना तो आप ज़ीरा भी डाल सकते हैं, बट मैं इसी तरह से बनाती हूँ। इसके अलावा जी इसके अंदर मैं डालूँगी सॉल्ट, और फिर जी हम डालेंगे फ्रेश लेमन जूस जो कि इस सालसे की जान है। ठीक है जी, इन सब चीज़ों को डाल कर चॉपर में डाल के चॉप कर दिया, और ये मज़ेदार खट्टा सा आपका सालसा बन के रेडी हो गया। इसके बाद जो भी थकाने वाले काम थे ना वो सारे निबेड़ के, तो मैंने नमाज़ पढ़नी थी, तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्च टमाटर की पेस्ट बना कर रख दी थी साइड पर। फिर मैंने नमाज वगैरह अदा के कपड़े वगैरह चेंज किए, मैंने डॉक्टर के पास जाना था, मैं वहाँ चले गई डॉक्टर के पास। आने के बाद तब मगरिब का टाइम हो रहा था तो सबको भूख लग रही थी, तो सोचा जल्दी से कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बनाती हैं, बल्कि मेरे आने से पहले ही कच्चे कीमे की टिक्कियाँ बन रही थी, और ये इतनी ज़्यादा पसंद आ रही थी ना सबको, सब कहते
बहुत ज़्यादा टेस्टी है, नमक मिर्च हर चीज़ एक्यूरेट डली है, तो बहुत सबने इन्जॉय की। बहरहाल जी, आते मैंने चिकन डाल दिया था, मैंने चिकन की बस भुनाई किया, लाइक उसको गोल्डन ब्राउन किया, फिर उसके बाद मैंने उसके अंदर हरी मिर्च डाली है, तकरीबन 5-6 डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी। अगर तो ये मैं बना रही होती ना बाहरीन में, तो मैंने 7-8 बल्कि 10 डालनी थी हरी मिर्चें इतनी क्वांटिटी बिरयानी में। बट थोड़ा सा स्पाइस कॉन्टेंट मैंने हौला रखा, क्योंकि भाई ने खानी है, तो भाई ज़रा कहते हैं मिर्ची हो पर थोड़ी हाथ हल्का रखे। तो अब जी इसके अंदर तकरीबन 12 ही टमाटर मैंने डाले हैं, इनको मैंने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। और अब स्पाइसेस कुछ इस तरह से हैं कि भी यहाँ पर गए हैं, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर है, 1.5 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स है, 2 टीस्पून गरम मसाला है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया का पाउडर है, 2 टेबलस्पून ही जीरा पाउडर है, और सब चीज़ें हमने डाल दी। इसके अलावा 2 टेबलस्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। मैं कोई बिरयानी मसाला यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे इस तरह से बिरयानी अच्छी लगती है। आप इस तरह से बना के देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और जो सॉल्ट आपने इस तरह से डालना होते हैं कि जितने गिलास आपने चावल लिए होते हैं उतने टीस्पून आपने सॉल्ट डाल देना होता है, तो ज़बरदस्त किस्म का आपका सॉल्ट का जो कंटेंट है ना वो फुलफ़िल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैंने उसी हिसाब से सॉल्ट डाले, चम्मच बड़े छोटे थे तो अपने हिसाब से मैंने डाल दिए हैं, और आपको बता दिया कि आपने किस तरह से डालने हैं। तो अब सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, इनकी भुनाई होगी, पहले मीडियम हाई फ्लेम पर इनकी भुनाई होगी, फिर लेट लगा के इसको थोड़ी देर के लिए पकने दूँगी ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए और अच्छे से मसाला जो है वो पक जाए। इसके अलावा मैंने फ्रेश लेमन जूस भी डाला है बिरयानी में। दूसरी तरफ जो पानी बॉईल हो गया, तो उसमें कुछ होल स्पाइसेस डालूंगी, लाइक थोड़े से जीरा कह रही हूँ, थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूंगी होल, थोड़ा सा लौंग डाल दूंगी, एक आधी इलायची डाल दूंगी, सिनेमन स्टिक डाल दूंगी, और वो डाल दूंगी बादियान के फूल। फिर जी राइस डाल देंगे ताकि वो भी बॉईल हो जाए। तो दूसरी तरफ जी हमारा जो मसाला है वो बनने वाला था, तो मैंने सोचा जल्दी से कर्ड भी डाल देती हूँ। इसके अंदर तकरीबन आपने 1 ग्लास कर्ड जाएगा इसके अंदर, अगर कप डालते हैं तो 2 कप आपने कर्ड इसके अंदर डालना है, लाइक योगर्ट इसके अंदर डालना है, और अच्छे से आपने फिर से मिक्स करना है। और अब क्योंकि मुझे ये था कि बोटियाँ जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए, तो मैंने फिर मीडियम हाई फ्लेम पर ही दम पे इसको पकाया है, वरना ऐसा होता है कि जो बोटियाँ ना वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं हड्डियों से। ठीक है जी, तो दूसरी तरफ यहाँ शरबत बन रहा है, जहाँ मेरी अम्मी घर पर बनाती हैं, क्योंकि मोहम्मद पसंद करते हैं, और ये बड़ा लाइट होता है, लाइट वेट सा होता है, आपका बिल्कुल भी दिल पर बोझल सा फील नहीं होने देता, जितना मर्जी आप पी लो। तो यहाँ पर जी शरबत बन रहा था, तो दूसरे अब मैं स्टोव पर जो है ना ये रखने लगी थी ताकि ये भी साथ साथ बन जाए। इसके अलावा यहाँ पर ये चेक करें ज़रा, क्योंकि संडे था तो हमारे घर बहुत सारी सब्जियाँ आई हुई थी, वो मैंने व्लॉग में ऐड ही नहीं किया, बहुत सारा माशाल्लाह सामान ना इकट्ठे आता है। तो यहाँ पर सब्जियाँ भिंडियाँ धो के रख दी हैं, करेले अम्मी ने छील कर बाकायदा काट के रख दिए हैं ताकि ख़राब ना हो, क्योंकि अब बनने थे करेले। और अगर आपने अभी ना भी बनानी हो ना, तब धोकर फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें करेले, उनको कुछ भी नहीं होता, जब मर्ज़ी पकाएं। मेरी चच्ची तो बहुत ऐसे पकाती हैं और टेस्ट में 19-20 का भी फ़र्क नहीं आता, बहुत मज़े के करेले बनते। और मुझे तो करेले कीमा इतने पसंद है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बिरयानी का मसाला एकदम फर्स्ट क्लास किस्म का बन चुका हुआ था, ऑयल सेपरेट हो चुका हुआ था, मसाला मैंने चख लिया था, A1 था, राइस बॉईल हो गए हुए थे। एक और बात, जब आपने राइस बॉईल करना है ना, आप लेमन स्लाइसेस भी बीच में डाल सकते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा अरोमा आता है, और सुनने में आता है कि चावल आपके चिपकते नहीं हैं। और दूसरी बात ये आपने इसके अंदर सॉल्ट भी डालना होता है जिसमें आप राइस बॉईल कर रहे होते हो, कि ज़रूरी होता है, वरना राइस जो है बहुत फीके रह जाते हैं। खैर जी, यहाँ पर मैंने दम लगा दिया, कुछ लेयर्स वेयर्स इतनी ख़ास मैं एहतमाम नहीं करती हूँ, कुछ चावल डाल के बीच में मसाले मिक्स कर लेती हूँ, फिर लेयर्स लगा देती हूँ, कुछ इस तरीके से कर लेती हूँ। ठीक है, और फिर आपने बिरयानी का वो जो ऊपर कलर डालते हैं वो डालें, दम दें 10 मिनट का दम आता है, और उसके बाद बिरयानी इंजॉय करें, बहुत मज़े की बिरयानी बनती है। साथ कच्चे कीमे के जी कबाब बनाएं तो चस आ जाएगी, सब कहेंगे वाह वाह वाह। तो जी ये था जी आज का भी लोग, उम्मीद है कि आपको ये चटपटा सा मज़ेदार किस्म का स्पाइसी किस्म का कंटेंट और व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जी आपसे अगले व्लॉग में, लाइक सब्सक्राइब तो मस्ट होता है, रोज़ रोज़ हर बार तो नहीं ना अच्छा लगता कहना। खैर जी, तब तक के लिए, जब तक अगली वीडियो नहीं लेकर आती, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।